हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज भाटिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम राइडर पर। दोस्तों, इस वक्त हम लोग गुंजी विलेज में, कल धारचूला से चल के हम लोग गुंजी विलेज आ गए थे। हम लोग यात्रा कर रहे हैं आदि कैलाश की और ओम पर्वत की। आज के इस व्लॉग में हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को गुंजी विलेज दिखाएँ। यहाँ पर बहुत ही ना पुराने पुराने से घर बने हुए हैं और यहाँ के लोगों से मिलते हैं, जानते हैं यहाँ के बारे में। साथ ही साथ ना आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, ये जो पीछे में आप मेरे पूरा रोड देख रहे हो ना, ये बीआरओ ने बनाया है और ये हाल ही में बनाया है। 2 साल पहले ये रोड बन के ऐसा तैयार हुआ है। अभी इस पर डाबर वगैरह नहीं पड़ा है, कच्चा रोड है, लेकिन मैं यहाँ तक रोड बनाना भी ना अपने आप में एक बहुत ही हिम्मत का काम है, जो कि बीआरओ ने सफल कर दिखाया है। और अभी कैलाश मानसरोवर के लिए भी रोड बन रहा है, तो जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो वहाँ की भी यात्रा करेंगे। क्या हो तो नाभी में है थी। नाभी में है? अच्छा, मनोकामना मंदिर पता नहीं, यहाँ पे एक लेडी और जा रही थी, वो भी गुंजी का ही कह रहे थे। कहते तो थोड़ा आगे जाके एक मंदिर है। अच्छा, बट अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। दो तीन अच्छा, आप कहाँ से आए? नाभी तो फिर हम लोग आदि कैलाश जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा ना। आप कहाँ से आए अभी? हम हल्द्वानी से। हल्द्वानी कहाँ? मैं लालकुआ रहता हूँ, हल्द्वानी के पास। अच्छा अच्छा, अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी मिंजिया। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। ये जो सामने आप विलेज देख रहे हैं, ये है गुंजी विलेज और हम लोग जा रहे हैं अभी गुंजी विलेज की तरफ। अभी यहाँ की सरपंच मिली थी हमें, जिनसे हमने आप लोगों को मिलवाया था, और अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ गुंजी विलेज के लिए। देखते हैं लोग कैसे यहाँ के फ्रेंडली होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर फ्रेंडली नहीं होंगे तो थोड़ा कम ही दे पाएंगे। वैसे तो फ्रेंडली लग रहे हैं, क्योंकि अभी बात बात हुई है, तो थोड़ा सही लग रहा उनसे बात करके। बहुत ही पुराने से यहाँ पे घर बने हुए हैं। देखो, जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में थोड़ी सी। कटेगा तो नहीं ना ये? क्या नाम है इसका? टाइगर। अरे वाह, आप यहीं रहते हो? सर्दियों में भी यहीं रहते हो आप? नहीं, सर्दियों में कहाँ जाते हो फिर? धारचूला चले जाते हो? अच्छा, ये बहुत पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर, है ना? कितने साल पुराने होंगे ये? कितने साल होगा? हम कोई पता नहीं है कितने। आप आपसे पहले के हैं? मेरा 200-300 साल पुराने। यहाँ पर ना ज़्यादातर घर बंद ही पड़े हुए हैं। अभी मैं जितने भी घर देख रहा हूँ, ज़्यादातर बंद पड़े हैं, बस कुछ ही लोग दिखे यहाँ पर। नमस्कार भैया, आप सब लोग यहीं रहते हो? यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं नहीं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे घर बंद पड़े। अच्छा, खेत वगैरह में गए हुए, ताले लगे हुए थे ना, तो शाम को आएंगे 5-6 बजे। अच्छा, काफ़ी लोग धारचूला रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो जॉब वाले। अच्छा, आप मेरे को लग रहा है आप भी भारी रहते हो ज़्यादातर, आपको देख के लग रहा है मतलब ऐसा। हाँ हाँ, छोटे मोटे व्लॉग्स बना लेते हैं बस ऐसे ही अपने लिए। ऐसे ही यहाँ तक आगे रुके हुए थे हम, तो भैया ने बोला आगे गांव है गुंजी। हाँ। तो देख के आओ, काफ़ी पुराने पुराने घर हैं वहाँ पर, अच्छा लगेगा। नहीं, होम स्टे में रुके हैं? हाँ, होम स्टे हमारे पास टेंट है वैसे अपना, तो हमने वहाँ पर पार्क, यहाँ पे ग्राउंड है ना एक, वहाँ पर हमने उनसे कहा, हम वहाँ पे अपना टेंट वेंट लगा के रुक जाते हैं। हमने कहा रुक जाओ, खाना वाने का है, खाना उनसे ले लेंगे। क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ, गाँव का ही हो, तो वहाँ पे अपना टेंट लगा के रुके। यहाँ तो होम स्टे नहीं है ना इस वाले गाँव में? गाँव में तो नहीं है, मैंने वहीं। हाँ, वहीं पर है ना, वहीं पर है। अभी आपकी सरपंच हैं, वो भी मिली थी मेरे को नीचे, लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी। अभी बनेगा, टाइम लगेगा सर, वो होम स्टे बनने में अब मेरे ख्याल से। हाँ, अब क्योंकि पहले तो कोई आता जाता नहीं था यहाँ पर, अब ये 2 साल से लोगों ने आना जाना शुरू किया है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियाँ अब चलना शुरू हुई हैं। तो पहले तो पैदल था ना, पहले 2020 में पहुँचा गाड़ियाँ। हाँ, 2020 में पहला गाड़ी आया, लॉकडाउन में पहुँचा, जून में आ गया। आपके मतलब इस तरह से जो घर बने बनाए हाथ से बनाते थे ना ये सारा, ऐसे पहले के टाइम पे? पहले का ये सब हाथ से बना। कितने साल पुराने होंगे ये? 200 साल होंगे।
और तब भी आज अगर अभी के अगर घर हो तो सब ढह जाए इतने टाइम में, उस टाइम का बस। हाँ बस वो कलर वाला कर रखा है आपने, बाकी तो पूरा पहले का ही बना हुआ है। ये तो है, कोई आता जाता रहेगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा मेंटेनेंस भी करवाते हैं ना फिर लोग अपने अपने घर की, मतलब कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं वो सही करवा लेते हैं। हम अंदर से देख सकते हैं घर है? आप बताइए ना, मैं कुछ अभी खुला है, आप बताइए भैया बताएंगे तभी तो हमें पता लगेगा, हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं लगेगा। अभी तो हम से इस वाली कंपनी में, मैं वैसे नीति विलेज गया था ना पिछले महीने, तो वहां पर भी काफी पुराने पुराने घर थे। अच्छा ये तो आपका उसका होगा ना, पूरा पूरा लकड़ी का बना हुआ है ऊपर का, ऊपर का पोर्शन और दीवारें वगैरह मेरे ख्याल से पत्थर से है ना, दीवारें पत्थर से बनी होंगी सारी। ये तो सारे लॉक्ड है, हमने दो तीन दिन ही हो गए। अच्छा झाड़ू वाड़ू लगाया है, अंदर भी काम बहुत काम है। हाँ आपने तो फिर भी मतलब सही कर रखा है, रहने सोने लायक कर दिया हमने। सही है और क्या, नहीं बना हुआ है आपका बहुत। पहले तो सीमेंट वगैरह नहीं चलता था, तो मेरे ख्याल से मतलब अगर आपको पता हो तो दाल को पीस के कुछ बनाया जाता था सीमेंट की तरह, ऐसा सा कुछ है ना। पहले के लोग मतलब जो बहुत रईस लोग होते थे ना, हाँ वो अपना मतलब रिचनेस दिखाने के लिए दाल को पीस कर फिर दीवारों में लगाते थे। हाँ मतलब सीमेंट की जगह उसका यूज किया जाता था, ऐसा सा कुछ मेरे को पता है, मैंने ऐसा सुना था कहीं। ये सच है ना? हाँ ये सच है, आपको ये ना कुटी में मिलेगा, कुटी में उस टाइप में मतलब उस टाइप का अभी है। हम लोग कल जाएंगे आदि कलाश की तरफ, बचा हुआ है उसका। अच्छा मतलब पूरा नहीं मिलेगा आपको, जैसे पूरा काफी पुराना है। हाँ। तो कहीं कहीं वो आपको दाल का वो दिखेगा, मतलब पूरा तो नहीं है लेकिन। और यार लाइट वाइट का है या सोलर से चलता है? सोलर लाइट है, मतलब वैसे लाइट नहीं है यहाँ पर अभी तक, अभी अभी चालू हुआ है। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन नपलचू से चालू हुआ है एक, अभी लाइट नहीं आ रही। रोड ही आपका, जब आप ये समझ लीजिए कि इतने साल बाद आया है तो फिर लाइट तो अभी। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। हाँ नेटवर्क पीछे नेपाल के फोन यूज कर रहे हैं, वो नेपाल के नेटवर्क आ रहे हैं, नेपाल के जो गांव है उधर उनके नेटवर्क्स लगे हुए हैं, लेकिन इधर नहीं, इधर नेपाली सिम चलता है। मतलब नेपाल कहा जाए तो इस एरिया में नेपाल ज्यादा डेवलप है हमसे, एरिया में चल रहा है ना। जियो का अभी तक लगा नहीं है, सर्वे चल रहा है जियो का। अच्छा जियो तो वैसे मैं अभी हेमकुंड वगैरह गया था और बाकी केदारनाथ वगैरह गया था, सब जगह जियो बढ़िया चलता है उस तरफ, मतलब वो अपनी तरफ से डेवलपमेंट में हाथ बटा रही है जियो। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुंजियाल। विवेक जी, और आपका जी? मनीषा जी। आप सिस्टर है वाइफ है? वाइफ है। ये क्या है? अच्छा ये सर्दियों में भी नहीं रहता? छह महीने, छह महीने तो ज्यादातर लोग छह महीने रहते हैं। हम तो एक आध दिन मैं पीछे वैसे काफी सारे लोगों से मिलता हूँ, वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा हवा के अंदर चले गए, पहले यहाँ काम करने में बिजी है तो इसलिए। आगे आंटी, नमस्ते आंटी, हम आपसे मिलने आ रहे थे, हमें लगा आप बिजी हो, आप काम में व्यस्त हो। सब खेतों में है पीछे। और इस तरफ कौन सी जनजाति रहती है, मतलब आप लोग किस रंग जनजाति? रंग जनजाति, हाँ ऐसा कोई मेरे को बता रहा था अभी। हाँ, ये पूरा एरिया रंग जनजाति का, ये मतलब आदि कैलाश वगैरह इस तरफ का सारा एरिया रंग जनजाति। ठीक होना चाहिए। ये जो आप यहाँ पे पेड़ वगैरह देख रहे हैं ना, ये सारे ये सब सेब के पेड़ हैं और ये अगस्त तक रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर ना कितने वैरायटी के होंगे? बहुत वैरायटी के। अच्छा काफी सारी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। ये दो साल में भी हो जाते हैं। अच्छा दो साल में भी हो जाते हैं, एक साल अलग ही है, तीन साल में ऐसा। अच्छा छोटा हो बड़ा हो पेड़ ढाई फीट में हो जाता है सेब। ओके वैरायटी पहले नहीं होता था, फिर नारायण आश्रम से लेके आया स्टार्टिंग में, फर्स्ट में हमने लगाया
बाद में लोगों ने लगाया, फर्स्ट टाइम ने लगा रखा ना पीछे क्यारी है ना, ट्राई किया था मतलब पहले यहाँ पे सेब के मतलब पेड़ वगैरह नहीं थे, फिर आप लोगों ने ट्राई किया तो हमने स्टार्ट किया तब, उसके बाद तो सेब ही सेब, आप तो फिर एक एक के बाद एक ने सबने लगा सेब, तो ऐसा कितना खास कर खाओ नहीं तो छोड़ दो ऐसे वाला सेब बहुत। तो आप लोग बेचते नहीं हो इसको आगे, मतलब यहाँ से पहले तो नहीं ले जा पाते होगे, दारचूला जैसे अब रिश्तेदार हुए उनको बांट देते थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अच्छा गाड़ी नहीं था ना, और नहीं हाँ पहले के टाइम पे तो गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अब तो आप व्यापार कर सकते हो ना इस चीज़ का, अब कर सकते हैं लेकिन अब उसके तो अब इतना सुविधा नहीं है, अब लोग जैसे अब जैसे अब सुविधा मिलेगी, अब गाड़ी जैसे अब गाड़ियाँ मतलब रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा जब, तो ऐसे नहीं है जैसे अब आजकल क्या करते हैं लोग जिनके वहाँ होता है तो वो दुकानों में बेचते हैं, जैसे अपने पर्सनल ले जाते हैं जैसे यहाँ से दारचूला भेजेंगे फिर वहाँ दुकानों में बेचते हैं। मैं धाराली गया था ना अभी, गंगोत्री साइड गया था फरवरी या मार्च की बात है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग जैसे अब यहाँ पर तो अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ है, वहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं जब उनका सेब का फार्मिंग करते हैं जब, तो वो निकाल के अपनी दुकानों के आगे लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी टूरिस्ट आएंगे तो आप नीचे लगा सकते हो, आप कभी तिब्बत वगैरह काफी आपका सप्लाई वगैरह चेंज हो जाता था, उधर से कुछ आता था इधर से कुछ भेजते थे, इस तरह से चलता रहता था, इस तरह से सब होता था ये, इस तरफ से भी और नीति वाली साइड से भी, और बाकी आपने आपके जितने भी तिब्बत एरिया का है वहाँ सब सब जगह व्यापार होता है, यहाँ से फूड जाएगा जब से चाइना, हाँ जब से चाइना ने कब्जा किया तब से ऐसा बंद हो गया, चाइना से ही होता था, जैसे चरू बोलते हैं जब तक ये रोड वगैरह नहीं बने थे तब तक, चरू 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 तो कम नहीं, कंबल होता है हल्की होती है लेकिन गर्म बढ़िया करता है, चरू 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 कंबल होता है, कंबल होता है चाइनीज कंबल होता है उसको चरू कहते हैं। अच्छा तो वो काफी गर्म होता है लेकिन पतला होता है, और जैकेट्स हो गए गर्म पैजामा, ये सब चाइना से यहाँ से होता था और आपको सस्ते मिल जाएंगे। अच्छा ये पहली बार सुनने को मिला मेरे को कि मिलेंगे आपको, मैंने तिब्बत तक का तो व्यापार सुना था लेकिन चाइना के बारे में नहीं सुना था कि चाइना के साथ ऐसा व्यापार होता है। इंडियन मार्केट नेपाल मार्केट, तो यहाँ से कितना पड़ता है ओम पर्वत क्रॉस करके, 27 किलोमीटर पर गाड़ी मिल जाएगा, 27 किलोमीटर पर गाड़ी मिल जाएगा टॉप से आपको। अच्छा हमारा टॉप तक गाड़ी जाती है, टॉप तक हम लोग का इंडियन गाड़ी, उसके बगल में चाइनीज का, तो अभी तो नहीं जान दे रहे मेरे ख्याल से, तो नहीं जान दे रहे, हो सकता ही है अब तो, लगा चाइना की, अभी तो हमें परमिट मिलने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं आजकल, चाइना और इंडिया का तो लोकल पर्सन को भी परमिट की जरूरत पड़ रही है आने के लिए यहाँ पर, ऐसा कर देना पहले बुद्धि से था इनर लाइन का, छालक से इनर लाइन कर देना, हम लोग का तो चलता ही है, और चलिए ठीक है भैया सर आपसे। पहले के टाइम पर ना जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अभी अभी हमारी एक अंकल से बात हुई, वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे वो, लेकिन पहले के टाइम पर ना जिन रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं उसी रास्ते से पूरा व्यापार हुआ करता था, और लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे आने जाने के लिए। अभी पीछे हमने एक जगह बोर्ड भी देखा था जहाँ पर लिखा था कि यहाँ से आधी गिलास छोटा गिलास करके लिखा हुआ था, आधी गिलास और छोटा गिलास एक ही है, तो आधी गिलास यहाँ से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर है, और कल हम लोग जाएंगे आदि कैलाश के लिए, और उसके बाद परसों जाएंगे फिर ओम पर्वत के लिए, और ओम पर्वत कवर करने के बाद ना हम लोग सीधे निकल जाएंगे नीचे को, देखेंगे जहाँ तक कवर हो पाएगा वहाँ तक निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे की डेस्टिनेशन फिर कवर कर लेंगे। तो अच्छा लगा लोगों से मिलके, यहाँ पर गांव के लोगों से मिलके, एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा था और बहुत ही प्यारा था, मेरे को हार्दिक की याद आ गई यार उसको देख के। वहाँ गुंजी गांव से लौट कर आने के बाद ना हम लोगों ने अपना टेंट सेटअप कर लिया यहाँ पर,
और मौसम ना बहुत ही औसम सा हो गया। ये देखो यहाँ पर ना पहले बर्फ नहीं थी और क्लाउड्स लगे हुए थे, अभी इन क्लाउड्स के पीछे बर्फ गिर चुकी है जो कि हम लोगों ने अभी दो मिनट पहले देखी थी। और ना क्या ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई यहाँ पर, जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ गई है। जून का महीना चल रहा है, सोचो कितना ही ठंडा हो रहा होगा यहाँ पे। अभी अपना बाकी सामान वगैरह सब हमने यहाँ पर अंदर रख दिया है, बाइकें हमने यहाँ पर लगा दी हैं और बस फिलहाल के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैगी वैगी बनाते हैं और मैगी वैगी खाएंगे, उसके बाद खाना है तो हमें रात में यहीं पे खाना है। टेंट वगैरह सेटअप कर दिया, सारा सामान वामान लगा दिया, अभी ना ऐसे ऐसी लोकेशन पे बैठ के और मैगी बनाएंगे, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ये पहली बार होगा जब मैं कैंपिंग के टाइम पर मैगी बना रहा हूँ। स्टोव पे ये बर्तन हो गया और ये हो गया हमारा ब्यूटेन कैन। चलो सेटअप करते हैं इसको। यहाँ पर प्याज काट लिया और यहाँ पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, अभी फिर इसको डालेंगे और फट क्लास मैगी बनाएंगे। अभी ना बाहर से बहुत हवा आ रही है तो नेगी जी लगे हैं इसको बंद करने के लिए। नेगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो मैगी वगैरह सब डाल दिया। अब बारी है इसमें मैगी मसाला डालने की। मैगी मसाला डालते हैं और इसे बॉयल होने के लिए रख देते हैं, बनकर तैयार हो जाएगी फिर मज़ेदार टेस्ट लेंगे। तो भाई जी मैगी बनके तैयार हो चुकी है और मैंने ना ये बाहर का जैसे ही पर्दा हटाया, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आया। यहाँ बादल हट गए हैं और बहुत ही बढ़िया माउंटेन नज़र आ रहा है और यहाँ पर ना चाँद नज़र आने लगा है मेरे को। फ़ोटो दिखाता हूँ आप लोगों को चाँद की। तो अभी हमने मैगी वैगी तो डाली है लेकिन अब ना बस पसरने का मन कर रहा है, हालाँकि खाना वाना खाना अभी बाकी है, वो उसके लिए अभी टाइम भी है। अभी करीब 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, खाना खाएंगे हम लोग 8 बजे के आसपास। भूख लग रही थी इसलिए एक मैगी खा ली थी। तो इस वाले व्लॉग को करेंगे हम लोग यहीं पर एंड और होप करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पर गुंजी के हमने लोकल्स से आपको मिलवाया और एक छोटा सा कैंपिंग का व्लॉग आपके सामने रखा। तो अभी के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे फिर ऐसी बढ़िया से व्लॉग में। चैनल बनाया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी ओम पर्वत या आदि कैलाश आना चाहते हैं, या जो भी एडवेंचर के शौकीन हो उनको अपना हमारा ये वीडियो शेयर करिएगा। और अभी के लिए बाय बाय।